हमारे साथ में इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता बुरहानपुर से। पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, मिनी से बात कर लेते हैं सर। क्या कुछ पत्रकार वार्ता में आपने अपनी बात रखी है? देखिए, एक लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद प्रेस के साथियों से मुलाकात करना था, और पिछले कुछ दिनों से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय कमलनाथ जी, उनके इस्तीफे को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी या कुछ फेक न्यूज़ प्रसारित हो रही थी मीडिया में, तो इससे संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी थी कि माननीय कमलनाथ जी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है और ना ही उनका कोई इस्तीफा होने जा रहा है, और ना ही ज़िला स्तर पर हमारे ज़िला अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं। तो इसलिए इन्हीं बातों को लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, और साथ ही साथ हम जनता का शुक्रिया भी अदा करना चाहते थे, क्योंकि जनता ने भी एक बड़े पैमाने पर कांग्रेस को वोट दिया है। इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस लीडरशिप के साथ, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जनता का भरोसा बना हुआ है। माननीय कमलनाथ जी ने कोशिश की है कि वो एक नया मध्य प्रदेश गढ़े, समृद्ध मध्य प्रदेश बनाए, और इसी प्रयास को लेकर जनता के बीच में कमलनाथ जी थे। कुछ कमियां हो सकती है जिससे जनता ने हमें विपक्ष में रहने की जिम्मेदारी दी है, तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जनता के लिए, जनता के मुद्दों पर लड़ेगी, सरकार से जनता के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो रुस्तम शेख जी थे कांग्रेस के प्रवक्ता, हमने बात की, क्या कुछ कहा हमने आपको बताया।